हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल एडवांस स्टडी हम में। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो आया हुआ है, और ये जो अपडेट जो आया हुआ है, DFCCIL स्टेशन मास्टर का कट ऑफ जारी कर दिया गया है। और ये कट ऑफ जारी करने के साथ साथ इन लोगों ने कैटेगरी वाइज यहाँ पर बताया गया है कि कितना मार्क्स यहाँ पर रखा गया है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, साइको टेस्ट को बुलाने के लिए। तो जैसा कि सभी लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ रहे थे उनके मार्क्स इतने अच्छे हैं और उनकी रैंक कितनी अच्छी है, तो उनका लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया है। और भी जो पूछ रहे थे कि MTS के एग्ज़ाम को रिलेटेड, तो वो भी मैं बारे में इसमें इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। तो वीडियो आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर देंगे तो आगे आने वाली वीडियो, जैसा कि आप लोग अभी देख पा रहे हैं, आगे भी आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलते रहेंगे। और भी जो अपडेट है वो मैं आपको बताता रहूँगा, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टेशन मास्टर, सबसे पहले यहाँ पे पूरी टेबल जारी हुई है, 5 टेबल जारी की गई है, और 5वीं टेबल स्टेशन मास्टर और कंट्रोलर की है। तो सबसे पहले हम उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अनरिजर्व का कट ऑफ यहाँ पे कितना रहा है, 98.75 मार्क्स यहाँ पे जिसके कैंडिडेट के हैं वो क्वालिफाई हुआ है। और यहाँ पे SC कैटेगरी की बात करें 77.25, ST कैटेगरी की बात करें तो 72.50, OBC की कैटेगरी की बात करें तो 85.75, और 82.50 एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे रखा गया है। भाई लोएस्ट कट ऑफ मार्क्स रखा गया है, काफ़ी ज़्यादा फर्क नहीं है, 5 या 10 नंबर का थोड़ा बहुत फर्क है इसमें। और यहाँ पर थोड़ा एक्स सर्विसमैन में कैंडिडेट थोड़े कम थे, तो यहाँ पर थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा इसमें है, इसमें फ़र्क डिफरेंस भी है, ठीक है। तो सोच सकते हैं 98.75 कितना हाई कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिला है, इसलिए काफ़ी लोग इसमें रह गए हैं। 72 मार्क्स लेकर आए, 78 मार्क्स लेकर आए, 80 मार्क्स भी लेकर आए काफ़ी लोग, उन्होंने हमें बताया कि उनका मार्क्स उसमें नहीं आया, लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। तो यही कारण है कि 98.75 कट ऑफ रहा है, तो लिस्ट में उनका नाम इसलिए नहीं आया, काफ़ी कट ऑफ हाई गया है। और कैंडिडेट्स आप देख सकते हैं 26,603 अपियर्ड हुए हैं, ठीक है। 26,000 में से वैकेंसीज इतनी कम थी, उसमें भी 15 वैकेंसीज जो थी एक्स सर्विसमैन की थी, तो आप समझ सकते हैं कितनी कम वैकेंसीज थी और कंपटीशन कितना ज़्यादा था। तो बढ़ता हूँ अपने ऊपर का जो अपडेट है, ठीक है। वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट करते जाइए, और जो भी क्वारीज है हमसे पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब भी करते जाइए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो और ऊपर की तरफ मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, और पांचों जो सिग्नलिंग का है, इलेक्ट्रिकल का है, सिविल का है, सबका कट ऑफ यहाँ जारी कर दिया गया, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, ठीक है। तो ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहली जो लिस्ट है सिविल एग्जीक्यूटिव के लिए है, ठीक है। सिविल एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पर पोस्ट है, और यहाँ पर सिविल के लिए अनरिजर्व में यहाँ पर रखा गया है 92.50, शेड्यूल कास्ट के लिए रखा है 80.50, ST के लिए यहाँ पर रखा है 80.25, OBC के लिए यहाँ पर रखा है 82.75, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे है 89.25, और PWD के लिए है 73.50। भाई लोएस्ट मार्क्स भी यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है। तो दूसरी जो टेबल है यहाँ पे, यहाँ भी थोड़ा कट ऑफ यहाँ पर देखने को हाई मिला है। और जो इसके बाद जो टेबल है एग्जीक्यूटिव की, एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट जो अनरिजर्व के लिए रहा है सबसे ज़्यादा यहाँ देखने को मिला है, ठीक है। 106 नंबर यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। सोच सकते हैं 120 में से 106 नंबर यहाँ पे, 97.50 यहाँ पे SC का है, ST का भी लगभग उतना ही है, 0.25 का फर्क है यहाँ पे। और OBC का देखिए 102 मार्क्स यहाँ पे है, काफ़ी ज़्यादा रखा गया है OBC का इसलिए, और एक्स सर्विस मैन और PWD कैटेगरी के लिए 87 और 81.50 रेस्पेक्टिवली यहाँ पर कट ऑफ रखा गया है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे लोएस्ट कट ऑफ मार्क्स भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है, 4 या 5 नंबरों का फ़र्क है इसमें, 4 नंबर का फ़र्क है यहाँ पे, इसकी देखेंगे तो यहाँ पे 5 नंबरों का फ़र्क है, ठीक है। तो अगली टेबल की ओर बढ़ते हैं, वीडियो लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, कमेंट करते जाइए, और जो भी क्वारीज वगैरह है वो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सिविल के बारे में हम देखेंगे, सिविल में कट ऑफ कितना जारी हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो सिविल में 86.25 यहाँ पे रखा गया है कट ऑफ, ठीक है। और यहाँ पे 49 नंबर रखा गया है SC कैटेगरी के लिए, ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे 46 रखा गया है। वही बात करते हैं OBC की, तो यहाँ 52.75 सिविल के लिए रखा गया है एग्जीक्यूटिव के लिए, एक्स सर्विस मैन से यहाँ पे 52.75 वाले कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन आ गया है अगले राउंड के लिए, ठीक है। पोस्ट PWD जो कैटेगरी है 46.25, और उसी हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं
यहाँ लोएस्ट मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम के बारे में भी काफ़ी लोगों ने पूछा, तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 877.75 अनरिजर्व यहाँ कट ऑफ रखा गया है। एस टी कैटेगरी के लिए यहाँ पर रखा गया है 67.75, एस टी कैटेगरी के लिए रखा गया थोड़ा कम यहाँ पे 60 नंबर यहाँ रखा गया है, और ओ बी सी कैटेगरी के लिए यहाँ पर रखा गया है 68.25, और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन और पी डब्ल्यू डी कैटेगरी के लिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, 50 ही कट ऑफ है, 50 नंबर ही है, यहाँ पर 0.25 थोड़ा ज़्यादा है, वहीं उसी हिसाब से लोएस्ट कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, आप सोच सकते हैं ये जो टेबल इन लोगों ने बनाई है तो यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ पर सावधानियाँ बरती हैं बनाने में, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पाँचवें नंबर की टेबल थी स्टेशन मास्टर की कंट्रोलर की, वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया। तो लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइए, और भी जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास हमारी पहुँचती रहेगी। ठीक है, तो आप देख जैसे कि अब मैं बताना चाहूँगा स्टेशन मास्टर में यहाँ पे 98.75 मार्क्स यहाँ पे क्वालिफाई रखे गए हैं DFCCL द्वारा। तो आप सोच सकते हैं 98 ही मार्क्स कितने लोगों के होंगे यहाँ पे। ठीक है, और वैकेंसियाँ 20-25 ही थी यहाँ पे करीब करीब यहाँ पे मेरे हिसाब से, और उसमें भी कुछ वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की ली थी। तो 98 वाले ही यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स होंगे, वो उनको बुला लिया गया होगा यहाँ पे 98 पर, 99 पर, 100 पर, 100। ठीक है ना, उसी हिसाब से कैंडिडेट जो लेकर आए होंगे तो स्टेशन मास्टर में उनको वहाँ पे साइको के लिए यहाँ पे बुला लिया गया है। उसी हिसाब से आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट और यहाँ पे कैंडिडेट अपियर्ड यहाँ पे लिखे गए। तो 26,603 कैंडिडेट यहाँ थे, ठीक है, और यहाँ पे 15,612 थे एग्जीक्यूटिव सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम के लिए, और सिविल के लिए यहाँ पे 3,465 कैंडिडेट थे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 16,855 कैंडिडेट सिर्फ इलेक्ट्रिकल के लिए थे, और यहाँ एग्जीक्यूटिव के लिए 29,705 कैंडिडेट, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स यहाँ पे एग्जीक्यूटिव सिविल ब्रांच की यहाँ पे कैंडिडेट थे। तो अपडेट इतना ही था, और अपडेट आने वाले हैं MTS रिजल्ट को लेकर, क्योंकि MTS का रिजल्ट काफ़ी टाइम से रुका हुआ है, तो MTS का रिजल्ट आने वाला है कुछ ही दिनों में, तो वो अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, तो वो अपडेट जैसे ही आएगा आप हमारे चैनल के थ्रू पा लेंगे हमारे चैनल से सबसे पहले। ठीक है, और भी जो क्वारीज वगैरह हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं, और भी कमेंट सेक्शन में आप हमको थैंक यू का एक मैसेज भेज सकते हैं। आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए, और भी जो आपके कैंडिडेट्स हैं, आपके भाई बंधु हैं, जो दोस्त लोग हैं, जो कैंडिडेट्स एग्जाम देकर आए हैं DFCCIL का, और कट ऑफ से रिलेटेड कुछ जानकारी पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। और आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप में, और भी जो ग्रुप बनाए हुए हैं आपने, तो उनमें ये शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।